सो टाइम हुआ है 11:40, सुबह से सिर्फ बारिश ही हो रहा है, बारिश ही हो रहा है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कल से इतना एक्साइटमेंट था कि आज कहीं पे घूमने जाएंगे, आखिर इतने दिनों बाद, इतने महीनों बाद आज फिर से व्लॉगिंग करने का मौका मिला और बारिश ने सारा मूड खराब कर दिया। सुबह से पेट्रोल रिफिल करना है, ओनली 3 बार्स रह गया। इस बाइक पे ऐसे के राइडिंग जैकेट पहन के, बूट पहन के फर्स्ट टाइम है। जयश्री हॉल के सामने जो पेट्रोल पंप था वो बंद होने के बाद ना बहुत दिक्कत हो गई यार, क्योंकि अच्छा पेट्रोल यहाँ पे ही ज़्यादातर मिलता था। अब तो यहाँ पे एक है, ब्रिज के उस पार जाना पड़ेगा थोड़ा सा, जो कि आउट ऑफ टाउन हो जाता है। वहाँ पे दीप ज्योति वेट कर रहा है मेरा। इसको बैठाने के बाद ना ये जो पेट्रोल डालने में बहुत दिक्कत होता है, इसको निकालना पड़ता है, फिर सेट करना पड़ता है। 10 लोग है कोई दिया लोग, जैसा 1 मिनट रुका। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल मोटो वॉयज। आफ्टर सो लॉन्ग आज मतलब जाके टाइम थोड़ा सा मिला है कि आज व्लॉग बनाए आपके लिए। बहुत एक्साइटेड था कल से कि आज कहीं पे घूमने जाएंगे, लेकिन सुबह से बारिश ने एकदम मूड ख़राब करके रख दिया। सो अभी मैं यहाँ पे हूँ और मेरे साथ है दीप ज्योति, वंडरलस्ट दीप। यही डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ जाए, क्योंकि हमारा कोई डेस्टिनेशन आज डिसाइड हुआ नहीं है और टाइम भी बहुत हो चुका है। अभी 12 बजने वाले हैं। हाँ, 12 बजने वाला है, बारिश के वजह से मतलब लेट हो चुका है, नहीं तो सुबह सुबह निकलना होता है। कोई अगर डेस्टिनेशन होता है तो वो इजी हो जाता है ना, कि हमें मालूम होता है कि उस डेस्टिनेशन में जाना है, लेकिन ऐसे संडे राइड बोल के कुछ ऐसा आस पास टाइम मतलब जितना भी जगह है बहुत बार दिखा चुका हूँ, बहुत बार जा चुका हूँ। अमित ने बोला कल की बहुत दिन हो गया कहीं पर गए नहीं, तो चलो टाउन गए। तवांग वही बात है ना, भालुकपोंग जाने से मतलब तवांग का याद आता है ना। रोड पे ना बहुत ज़्यादा इमोशन जुड़ी हुई है मेरा। मैं तो लास्ट टाइम मतलब मेरा रह गया यार, व्लॉग अच्छी तरह से बना नहीं पाया। ये तवांग एक बार जाना है और सिक्किम का भी मैं प्लान कर रहा हूँ फिर से, सिक्किम 2.0। सो ये रहा अपना बघीरा जो एकदम नीट एंड क्लीन किया, आज तो गंदा होने वाला ये श्योर फॉर श्योर। और यहाँ पे लिखा हुआ है अपना नाम बघीरा, अपना चैनल का नाम। जिसने सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी अभी जाके सब्सक्राइब कर लो। ये एक्चुअली मैंने जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है इसको यहाँ पे डाल लिया ताकि यहाँ पे कोई स्क्रैच ना आए। डिसाइड हो चुका है यहाँ से निकलना है और फिर गोप्रो मोड पे आपसे मिलते हैं। सो हियर वी गो, एट लास्ट डिसाइड हो चुका है कहाँ जाना है। तो फिलहाल तो टाउन से ही जाना है। चुका है 12:05 AM तो नहीं होगा, PM ही होगा। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा बैटरी है गोप्रो? कैटल से बैटरी। चलो ये है बोरघाट बाईपास सिलचर, यहाँ से 360, लमडिंग 95, दीमापुर 195, ऐसा कुछ है। इन तीनों में कहीं नहीं जा रहे। तो ये जो हाईवे है ये है हाफलोंग वाला हाईवे, हाफलोंग की ओर जा रहे हैं। हिली एरिया है, कर्व से अच्छे अच्छे लोकेशन है, फ़ोटो वोटो खींचेंगे, थोड़ा सा शॉट्स अच्छे अच्छे लेंगे। तो अभी तक का यही तो प्लान है। और एक सोचा था कि भालुकपोंग ऐसा फ़ोटो खींचने वाला या फिर बाइक का शॉट्स लेने वाला, ऐसा कुछ लोकेशन ठीक नहीं है। तो आप अगर मेरा जो हाफलोंग वाला वीडियो है वो नहीं देखे हो अब तक तो जाके देख लो, वहाँ पर पता चल जाएगा। ये वीडियो पहले देख लो, इसके बाद देख लेना। तो मैं सोच के रखा था कि मैं अकेले ही चला जाऊँगा, कहीं पर निकल जाऊँगा वन डे राइड, मतलब एक संडे राइड के लिए। लेकिन अच्छा हुआ दीप ज्योति आ गया, क्योंकि अकेले में इतना अच्छा नहीं लगता है। वो एक साथ में रहने से मतलब थोड़ा सा एनर्जेटिक लगता है। कितना ग्रीन ग्रीन हो रखा है ना, इस साल तो बारिश बहुत ही ज़्यादा है। बीच में तो आप सुने हो न्यूज़ में कि असम फ्लड से बहुत हैम्पर हुआ है। हाफलोंग वाला जो अभी जो जा रहे हैं, जो रोड है टनल से पहले जो रास्ता है वो पूरा लैंडस्लाइड से टूट चुका है। बघीरा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। बघीरा के बारे में तो मैं बोलना ही भूल गया, अभी तक तो कोई इशू नहीं है। मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ मेरा टैंक बैग यहाँ पे, ये तो मैं यहाँ पे ऑडोमीटर दिखा देता। 12,000 किलोमीटर्स चल चुका है, लगभग 6 मंथ्स हो चुका है बाइक को लिए हुए। रुक जा भाई, रुक जा। ओ ओ ओ ओ, ओ शिट, रेस भैया रेस, हम तो वैसे भी निकल जाएंगे आपसे भैया। ओ माई गॉड, क्या नज़ारे हैं, वहाँ का जो नज़ारा है बहुत सही आ रहा है। क्लाउड्स
मेरे पीछे का जो नज़ारा है ना, बहुत ग्रीनरी हो रखा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, ऑसम है, ऑसम। और कुछ इस तरह हमारे बाइक दिख रहे हैं। 80 किलोमीटर जैसा ही कुछ हम लोग आए हैं, लंका का जो बाईपास है उसको क्रॉस करके सीधा आ चुके हैं। अभी और अभी आगे जाना है, मायबंग जाने का सोच रहे हैं, लेकिन टनल का रास्ता जो है वो टूट चुका था। वो कितना रिपेयर हुआ है नहीं हुआ है वो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। चाय पीना है क्या, क्या बोलते हो? चाय मिल जाता तो अच्छा लगता। हाँ, राइड के दौरान चाय की जरूरत होती है, साइज इम्पोर्टेंट। तो देखते हैं, चलो आगे आगे कहीं पर मिल जाए। 156 लगभग 2 बज चुका है यार। चलो, बहुत रुक रुक के आ रहे थे, तो अभी बस एक दो शॉट्स लेंगे और आगे चलेंगे। घने जंगलों के बीच से रास्ता ये बनाया गया है। ये एक्चुअली जो है ये सब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर है, रिजर्व फॉरेस्ट। वाह, ये तो बस शुरुआत है, आगे सीनरी बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो जहाँ तक जा सकते हैं उधर तक जाएंगे, जाने की कोशिश करेंगे, टाइम का कोई इशू नहीं है। और स्पीड जो नॉर्मल स्पीड कोई टाका 80-90 रखा कोई टाका। सो यहाँ से लैंडिंग है 18 किलोमीटर हाफ लॉन्ग 150, सिलचर 280। वाओ, व्हाट अ सीनरी मैन। स्काई भी आज ब्लू है, इस तरफ तो ठीक ही लग रहा है, अभी धूप निकली हुई है, वेदर बारिश ना हो जाए बस। ओहो, वाओ 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 वाओ। অলপ স্পীডত যোৱা, নহ'লে মানে কি স্পীডটো ল'ব নোৱাৰিলে লিংক কৰিব নোৱাৰোঁ, স্পীড নহ'লে লিংক কৰিব নোৱাৰোঁ না। 80-90 মানত যোৱা, স্পীড লিমিট 50, লেকিন মই উসকো বল ৰাও কি 80 মে চলাও। ইয়াৰ ৰোড চে ইয়াৰ ইচি কে লিয়ে একচুৱেলি ইচি কে লিয়ে ইচ তৰফ আয়ে হে, ক্যোকি ইয়াহা কা জো ৰোড হে ৱো বহুত হি মতলব এসা স্মুথ হে অৰ ভিউজ ভি আচ্ছে হে অৰ কার্ভস ভি মিল জাতে হে। असम में आना है ना तो मॉनसून में आओ यार, बेस्ट सीजन है, बेस्ट सीजन। आपको चारों तरफ ग्रीनरी ही दिखेगा। देख सकते हो ये वाला व्यू। सो सोच रहे हैं कि यहाँ पे कुछ एक दो खींचे क्लिक्स, इसके बाद आगे चलेंगे। बस ऐसे ही टाइम स्पेंड हो रहा है, बस रुक रुक के जा रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ऐसा ही है। कुछ एक सिनेमेटिक शॉट्स भी डाले हैं, अगर अच्छा लगा तो कमेंट में बताना। और यहाँ तक सब अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना भाई। ये जो नज़ारा है एक बार आपको भी दिखा देते हैं वीडियो में। वाओ दीपज्योति, वाइब्रेशन का दिखाना कैसे हो रहा था? ऐसे 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 मतलब कैसे कैसे हो रहा है पता नहीं, मगर ऐसे ऐसे जब उसने दिखाया ना मुझे, क्या वीडियो हुआ, मैं रील्स के फ्रेम में मैं था, लेकिन वाइब्रेशन दिखा ऐसे हिल रहा है, मैंने दिखा ऐसे 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 हो रहा है, जो इमेज है पूरा मतलब बर्बाद हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा फोटो वगैरह खींचते हैं, रास्ता खाली है, सोच रहा हूँ बाइक को बीच में ला के एक दो फोटो खींचे। ये आइडिया सही है, अभी आया इसको अभी का दीप ज्योति फोटो लाए हो कि नहीं? हाँ DSLR तो लाए हैं, लेकिन चार्ज नहीं है। अरे क्या करने लाए हो भाई, अरे कैमरा इधर आओ, रास्ते कोई थोक देगा अभी गाड़ी पे। DSLR लेके आए हैं, ये मुझे पूछा DSLR है? हाँ है। DSLR निकालो फोटो खींचेंगे, लेकिन बैटरी को चार्ज देने में मैंने सुबह बोला कि जो बाइक पे लगाते हैं माउंट वो ले आओ, वो पुराना SD cam भी ले आओ, ले आओ सही है, बीच में यह चार्ज देना पड़ेगा, चार्ज ही नहीं है मतलब। यहाँ पे थोड़ा सा फोटोग्राफी करते हैं, फोटो आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम पे आप अगर मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ये नीचे हैंडल आ रहा है। बहुत ही धासु मतलब बहुत ही एकदम एक नंबर मतलब परफॉर्म कर रही है, ब्लॉगिंग भी करते रहेंगे, फोटो भी खींचना है। मायबंग तक पता नहीं जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते, बाय द वे मैंने ग्लव्स नहीं पहना, गर्मी लग रही है। फोटो खींच रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, बस यही सब करना है। सामने आसपास ही कहीं घूमना है, बस फोटो वोटो खींचना है, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है।
देखते हैं कहाँ जा सकते हैं, आगे जाना है या फिर रिटर्न करना है। भूख भी लगी है, खाना भी खाना है। इस तरफ तो मैं श्योर हूँ कि होटल अच्छा नहीं मिलने वाला है, उस तरफ ही मिलने वाला है। लमडिंग 2 किलोमीटर। चाय तो नहीं मिला लेकिन ठंडा मिल गया, ठंडा पीने के मन है ना। गर्मी में चाय छोड़ते हैं यार, चाय अभी नहीं, गर्म लगे। मैं हाँ गर्मी, हाँ वही मतलब इतना गर्म है, चाय भी गर्म होगा, पेट गर्म हो जाएगा, इससे अच्छा कुछ ठंडा पी लेते हैं। ये जो रोड है ये है लमडिंग जाने वाला रोड, जस्ट उधर 1 किलोमीटर जाने से ही लमडिंग टाउन आ जाता है। सो यहाँ पे रुके थे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिए। 340, हाँ 340 हो गया। 3 घंटे में हम लोग पहुँचे लमडिंग। तो सोच ही सकते हो कितना कितना मतलब रोक रुक के हम लोग चला रहे हैं। लगभग 100-110 किलोमीटर ऐसे कुछ चला चुके हैं। अभी थोड़ा सा और भी अभी डिसाइड हुआ कि दोनों बैठ के डिसाइड किया है कि अभी थोड़ा सा और भी आगे जाएंगे। ज़्यादा भूख जब लगेगी तो रिटर्न करके रेंगबेंग में अच्छा लाइन होटल है वहाँ पे ही खा लेंगे। ब्रेकफास्ट और लंच को ब्रांच कहते हैं। ब्रांच राइड में ये सब चलता रहता है यार, राइड में ये सब होता ही रहता है। कोई ठिकाना नहीं मिलता है, अच्छा होटल नहीं मिलता है। डीमा हसाओ, सो वेलकम टू डीमा हसाओ। सो यहाँ से शुरू होता है डीमा हसाओ का डिस्ट्रिक्ट, डीमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल। तमाम यहाँ पर गुवाहाटी जब बोला साइड टोल गेट, यहाँ से अगर गुवाहाटी जाना है किसी को तो 4 टोल गेट में टोल देना पड़ेगा यार। दीप अभी मेरा बाइक चलाएगा, मैं इसका बाइक चलाऊंगा। बहुत दिन हो गया हिमालयन चलाया नहीं। ये देखो यहाँ पे सिक्किम लिखा हुआ है, ये सिक्किम स्पेशलिस्ट है। किसी को अगर सिक्किम जाना है वंडरलस्ट दीप से सजेशन ले लो। इस पर टर्मिनल बहुत जच रहा है, इसका बहुत विंड ब्लास्ट है यार। इसका जो मीटर कंसोल है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये पूरा मैनुअल है, दिखने में भी बहुत बड़ा है, बहुत सारे ऐसा लग रहा है कि कोई एरोप्लेन के कॉकपिट में बैठे हैं। वाओ, पहाड़ पहाड़ दिख गए भैया, पहाड़ दिख गए। আগত তো কোনো লাভ নাই, আগত লাভ নাই বলা, মই ডিভাইডাৰ বিচাৰিছিলোঁ, ডিভাইডাৰ নাই, তাৰপৰা নাই, এইটোৱে ডিভাইডাৰ যি আছে, ৰিটাৰ্ণ হ'ল দিব বলা বলাতে। आगे जाने का कोई फ़ायदा है नहीं, हम लोग तो उस तरफ जा नहीं रहे हैं। धूप नहीं है, ठंडी हवा चल रही है और चलाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। इसमें मुझे लीन करने में थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन डोमिनर में कोई इशू नहीं होता है, वो चिपक के चलता है। फ्लेयर ब्रेकिंग का थोड़ा सा इशू है, वो अगर ठीक हो जाए, और थोड़ा बहुत वाइब्रेशन भी है हैंडल बार में, वो अगर ठीक हो जाए बस चकाचक एकदम। लगभग शाम के 6 बजे अभी होगा हम लोग का लंच। से यहीं पे खाएंगे, पिछले टाइम यहीं पर खाए थे तो यहाँ का खाना अच्छा लगा। यह खाओ भाल बनाए। लाइट थोड़ा सा कम आ रहा होगा लेकिन अभी बज चुका है 7 PM और खाना खाते खाते मतलब 7 बज चुका है। हम लोग का लंच जो है 2 बजे करना था, वो उसको हमने किया 7 बजे। इतनी भूख लगी थी कि मतलब खाना आते ही टूट पड़े। जो जगह का नाम है रेंगबेंग, भी यहाँ से निकलना है फटाफट, अंधेरा हो चुका है। अंधेरा में बाइक चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और ये वाला जो रूट है ना उल्टी साइड से गाड़ी आती रहती है, मतलब लोग क्रॉस करते रहते हैं, गाय बकरे सब, मतलब सब कुछ मिलेगा आपको। मेरे सामने से घूम रहा है, हाँ दो बार बचाई है, मैंने देखा, मैं इसके पीछे ही था, दो बार बचाई है। हाँ यार मैं मेरा वीडियो में भी कैप्चर हुआ, मैं डाल दूंगा, मैं मेरा वीडियो में भी कैप्चर हुआ।
विजिबिलिटी था ही नहीं, मतलब बांस ऐसे आ रहे थे। हाँ मतलब बम्बू लेके ऐसे ठेला में बम्बू लेके सीधा डिवाइडर के आर पार हो रहा है। मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया, बहुत मजा। दोस्त लोग ज्यादा नहीं है लेकिन हम दो ही थे, लेकिन थोड़ा फन, मतलब संडे को फंडे बना दिया। संडे, हाँ फंडे हो गया, फंडे हो गया। बहुत दिनों के बाद ऐसे आए, बड़े भाई जैसा है, अच्छा लगा मुझे बहुत। लिंक भी नीचे दे दूंगा, इसका भी चैनल है वंडरलस्ट दीप। कुछ कमेंट भी कीजिएगा, सब्सक्राइब। अच्छा लगेगा ना यार? अच्छा क्यों नहीं लगेगा, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, अच्छा लगना पड़ेगा, लगाओ आप। अच्छा नेक्स्ट वीडियो पे फिर मिलते हैं। आई होप वीडियो में रेगुलर कर पाऊंगा फिर से, अब जो स्टार्ट कर चुका हूँ फिर से मैं कर पाऊंगा, मैं रेगुलर करने की कोशिश करूँगा। जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसको तोड़ दो, राइस से मार दो। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। टिल एंड राइडर राइस से कीप एक्सप्लोरिंग, दिस इज अमित, बाय बाय।